अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की ये वीडियो गेहातु की पहली एंट्री के बारे में मुख्तलिफ लोग जो बातें कर रहे हैं कि उसकी पहली किस्म में एंट्री होगी, वो आकर सबसे पहले क्या काम करेगा? क्या वो पहली एंट्री में उस्मान बे को नुकसान पहुँचाएगा या फिर गेहातु का करिंदा कोतलो पहले आएगा? क्या गेहातु भी चंगेज खान के कवानीन हासिल करना चाहता है? इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए बराए मेहरबानी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि गेहातु के मुतालिक आपके तमाम सवालात के जवाबात का आपको पता चल सके। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे स्पोर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं गेहातु की पहली किस्त में एंट्री होगी। नाजिन, आपको बता दें कि कुरलुस उस्मान सीजन 1 में जब बालागई दुनदार बे के साथ मिलकर उस्मान बे को धोखा देकर चंगेज खान के कवानीन और खंजर हासिल कर लेता है, तो उस वक्त उस्मान बे को तीर मारकर जख्मी कर दिया जाता है और बालागई उस्मान बे के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। तो एन उस वक्त गेहातु का करिंदा अरमान कोतलो आ जाता है, तो उसको देखकर बालागई झुक जाता है और जो हासिल करदा चंगेज खान के कवानीन और खंजर कोतलो के हवाले कर देता है। लेकिन वो कवानीन तो नकली होते हैं, तो वो गेहातु के करिंदे की पहली एंट्री थी। बालागई और सुबता ये दोनों अपने मुफाद की खातिर आए थे, लेकिन कोतलो गेहातु का खास बंदा है, तो पहली किस्त में गेहातु की एंट्री मुश्किल है। सबसे पहले कोतलो आएगा और फिर गेहातु आएगा। कोतलो आते ही चंगेज खान के असली कवानीन हासिल करने की कोशिश करेगा। जब वो इसमें नाकाम हो जाए तो फिर गेहातु की एंट्री होगी और उसकी पहली एंट्री बहुत शदीद होगी और आते ही उस्मान बे को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।